कोई लेन देन नहीं, अब उसको गुजरात जीतना, हिमाचल जीतना, पंजाब जीतना, अब दिल्ली छोड़ चुका है, अब दिल्ली आप जानो, समझ रहे हो, दिल्ली की लड़ाई लड़ने के लिए वो नहीं है, अब उसे 24 का सपना प्रधानमंत्री का दिख रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरी दिल्ली है, पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी, और दिल्ली की बेटी को केजरीवाल ने खींच कर पंजाब बुलाया पुलिस के साथ, मैंने कहा तुम्हें ये महंगा पड़ेगा, दिल्ली की बेटी को तुमने दिल्ली से पंजाब पुलिस के सामने बुलाया, थानों में, कल मैं थानों में घूम कर आई, ये बदला लूंगी, महंगा पड़ेगा इसको, मेरी और केजरीवाल की दिल्ली की लड़ाई है, यही फैसला कर लेता हूँ, पंजाब बुलाया ना, अब देखना कितना महंगा पड़ेगा, पंजाब की बेटियों की भी लड़ाई लड़ूंगी, दिल्ली की भी आपको इसको ताकत देनी, मेरी ताकत ये लोग है, ये तो हमारी अपनी है, तो ताकत देना इसको, इसने मुझे बुलाया, मैं हूँ, है ना, हर जगह मैं नहीं हो सकती, हर जगह ऐसी और आप जैसी लोग, इसको भी देशद्रोह में शामिल कर देंगे कि एक नागरिक दिल्ली का देश के दूसरे नागरिक से खुले में बात क्यों कर रहा है, ये भी इनको एक साजिश लगेगी सरकार के खिलाफ, देशद्रोह लग सकता है, लगे बात तो करनी होगी, चिंता मत करो, ये सब कब शुरू हुआ, जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर, नमक रोटी खा रहे अपने घरों में तो रह रहे, घर भी छीन जाएगी तो कहाँ जाएंगे, मेरी पार्टी में कांग्रेस में कमियां रही होंगी, लेकिन ये जो हो रहा है ये मंजूर है, कम से कम ये तो नहीं था, इतनी बड़ी सजा आपने हमें दी, हमें मंजूर था कांग्रेस को जो आपने सजा दी, हमारे सारी सीटों पर आया, हम हार गए, वो सजा हम तक रहती तो हमें मंजूर था, वो सजा आपको भी तो आज मिल रही है, डर और खौफ में जी रहे हैं हमारे लोग, आप समझ रहे हैं, वो हम तक रहता सजा हमें मंजूर थी, सजा आपको भी मिल रही है, हमसे ही जीते और हमें परेशान करिए, हम एक रहेंगे अच्छा समय आएगा, लेकिन अभी हमारा उदयपुर राजस्थान में 3 दिन का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी चिंतन शिविर कर रही है, हम आगे की लड़ाई के लिए कांग्रेस को तैयार कर रहे हैं, मेरी अध्यक्षा मुझे दिल्ली की जो भी जिम्मेदारी देंगी आपके बीच में आऊंगी, बट हिम्मत मत हारिए, मुलाकात होगी आपको, दोबारा आऊंगी, ज्यादा समय के लिए आऊंगी और आपको भी सुनूंगी, बिल्कुल ठीक है, एक ही सवाल फटाफट मेरा कार्यक्रम है।